फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, एक अभी वैकेंसी निकल के आई है 28 दिसंबर को। यह है आपकी पटना DPS स्कूल से, जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और इच्छुक है और जो पटना के आसपास रहते हैं या जो पटना में जाके शिफ्ट होके करना चाहते हैं, वो लोग इस वैकेंसी को ज़रूर एक बार गो थ्रू हो जाइए। इस वैकेंसी को आप फिलअप कर दीजिए। ये वैकेंसी आई है पटना DPS स्कूल से। इसमें बहुत सारी पोस्ट है, टीचिंग नॉन टीचिंग सबके लिए है। PRT, TGT, PGT, प्री प्राइमरी, फिर उसके बाद मदर्स टीचर्स, फिर क्लास वन के लिए अन सब्जेक्ट टीचर्स में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबके लिए है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें फैसिलिटी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। जितनी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को मिलती है वही सारी फैसिलिटी है, उससे ज़्यादा है बल्कि मैं कहूँगी। 7th पे सैलरी है, उसके अलावा आपके अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे के एजुकेशन फ्री है। फिर अगर आप जैसे आउट पटना से बाहर के हैं और आप वहाँ रह के पढ़ाना चाहते हैं या वहाँ पर टीचिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वहाँ पर पूरा फ्री रेजिडेंस है। फिर उसके बाद PF, ESI सब मेडिकल फैसिलिटी, बच्चों की फ़ीस सब वहाँ पे फ्री है। आपको वहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छा 45+ के आसपास जाएगा। अगर आप प्रीवियस जॉब छोड़ के वहाँ कर रहे हैं तो जहाँ पे आप प्रीवियस जॉब कर रहे थे उससे जितनी सैलरी वहाँ मिल रही थी आपको, उससे 20% हाइक होकर मिलेगी सैलरी। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको आप मिस ना करें। इसको अगर जो कैंडिडेट्स अगर अभी जॉब्स देख रहे हैं, सर्चिंग में हैं और जो जॉब करना चाहते हैं, तो वो लोग इसको ज़रूर फॉर्म को फिलअप करिएगा। ये पटना स्कूल से है, इसका जो मेल ID है वो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। पटना DPS स्कूल में जाके देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ उस पर आप ऑनलाइन भी अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स भी आप उसमें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको आप मिस मत करिएगा, जो भी वहाँ जाके देख के करना चाहता है। और इसकी जो एजुकेशन में है, इसकी एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि एलिजिबिलिटी में आपको CTET कंपलसरी है या फिर कोई TET कंपलसरी है। आपने ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स कर रखा है, प्लस में आपके पास BEd है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, अगर आपको किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, फ्रेशर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है फ्रेशर की भी वहाँ पे ज़रूरत हो और वो आपको कंसीडर करें। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें ऐसा है कि अगर आप जैसे जर्मन लैंग्वेज की आपको नॉलेज है तो वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज के टीचर्स की भी आवश्यकता है, तो वो आप एक बार इसको पूरा गो थ्रू हो जाइए इस वैकेंसी के थ्रू। ये एक बहुत अच्छा वैकेंसी है जो 28 दिसंबर को आया है, इसको आप जल्दी से भर दीजिए। उसके बाद अगर उनको ज़रूरत होगा तो आपको कॉल करेंगे या फिर आपको मेल पर ही रिस्पॉन्स करेंगे, और हो सकता है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो जाए। और अगर आप सेटल वहाँ जाकर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे जो लोग न्यू जॉब सर्चिंग में हैं या फिर जो स्कूल में कर रहे हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उन लोगों को इस जॉब्स के बारे में पता चले। तो आई होप आप लोगों का न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए। हैप्पी न्यू ईयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।